तो आ तरफ बात करिए तो आगामी 5 दिवस सुधी सामान्य वरसाद रहेशे। दक्षिण गुजरात सौराष्ट्रना केटलाक विस्तारमां वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। अमदावादमां छूटोछवा वरसाद रही शके छे। डांग तापी आहवा छोटा उदयपुरमां वरसादनी आगाही तो वलसाड नवसारी जूनागढ़मां पण वरसाद रहेशे। गीर सोमनाथ पोरबंदर अने मोरबी तथा द्वारकामां पण वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। तो वरसादनी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। 5 दिवस वरसादी माहोल रहेशे परंतु भारे नहीं धीमी धारे वरसाद रही शके छे। अलग अलग विस्तारों में जेमां सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात में सामान्य वरसाद रहेवानी संभावना हाल में व्यक्त करवामां आवी छे। तो गीर सोमनाथ पोरबंदर मोरबी अने द्वारका में पण वरसाद रहेशे। वादळछाया वातावरण बाद वरसाद वरसी रह्यो छे। आगामी 5 दिवस राज्य में वरसादनी संभावना जे छे ते हाल में व्यक्त करवामां आवी छे। अगले 5 दिन में गुजरात में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन हो सकता है, होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ के लिए आज और कल बारिश होने का ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन परसों से आइसोलेटेड प्लेसेस में इक्का दुक्का जगहों में बारिश हो सकता है, जबकि लाइट रेन होने का संभावना है। अहमदाबाद का जिससे माहौल अभी है पार्टली क्लाउडी स्काई, ऐसे ही रहने का संभावना है, लेकिन क्लाउड बनेगा लेकिन बारिश होने का ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन इतना मॉइस्चर है कहीं एक जगह में लाइट रेन हो सकता है।